गइबत करते थे अब नहीं करेंगे, तोहमत लगाते थे अब नहीं लगाएंगे। लब्बैक या हुसैन का मतलब है खुद के अंदर तब्दीली लाने का। लब्बैक या हुसैन का मतलब है यानी सच्चे सिपाहियों में शुमार होने का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद हाजरी हमें हौसला अफजाई अता करती है, इसलिए के कतना सा तालिब इल्म आप हजरात के सामने गुफ्तगु करने का शरफ हासिल कर रहा है। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। ऐ रसूल, हमने तुझे भेजा बशीर और नजीर बनाकर, यानी खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, नजीरन डराने वाला बनाकर। वला किन्ना अक्सरन नासिल आयलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती कि तो बशीर भी है और नजीर भी है। अब लोगों की अक्सरियत नहीं जानती तो हम क्या करें? जब हम माओ के पेटों से आए तो जाहिल आए। खुदावंद आलम ने इल्म की राह बताई कि इल्म की राह तीन है। तुम्हें मैंने सुनने की ताकत दी, मैंने तुम्हें देखने की ताकत दी, मैंने तुम्हें अक्ल दी। अक्ल सबसे बड़ी शय का नाम है। अगर इंसान की अक्ल, इंसान के पास अक्ल ना हो तो ये फैसला नहीं कर सकता कि हक क्या है बातिल क्या है। वो ये फैसला नहीं कर सकता कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है। वो ये फैसला नहीं कर सकता कि जुल्म क्या, जालिम कौन है मजलूम कौन है। खुदावंद आलम ने अक्ल दी इसलिए कि अक्ल इसलिए दी कि उसूल दीन का ताल्लुक अक्ल से है, उसूल दीन का ताल्लुक अकीदे से है। जब तक अक्ल इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक अल्लाह को पहचान नहीं सकता, उसूल दीन का ताल्लुक है अक्ल से, फुरूए दीन का ताल्लुक है मुस्तहिदीन की पैरवी करने से। यानी अक्ल को इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह को पहचानेगा, और मुस्तहिद की तकलीफ करेगा तो फुरूए दीन को पहचानेगा। फुरूए दीन का जानना हमारे ऊपर वाजिब है, उन फुरूए दीन का जानना वाजिब है जो रोजमर्रा हमारे दरमियान पेश आते हैं। यानी नमाज में क्या चीजें वाजिब है, नमाज में क्या चीजें मुस्तहब है, हमारा जानना वाजिब वाजिब है। उलमाए इकराम ने बयान फरमाया कि रोजमर्रा की चीजों को जानना वाजिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे रसूल ने अली से कहा, अली तुम बिस्तर रसूल पर सो जाओ। अली ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों सो जाऊं, अगर हम जैसा मौलवी होता तो बहस कर लेता, या रसूल अल्लाह मैं क्यों सो जाऊं, मैं तो सारी रात नमाजें पढ़ता हूँ, मैं तो सारी रात इबादतें करता हूँ। लेकिन अली अली है, अली जानते हैं, वो कह रहा है जिसके लबों की जुम्बिश का नाम नमाज है। वो कह रहा है जिसने जो कहे सो जाओ तो सो जाओ, वो कह रहा है जो नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, वो कह रहा है अली से तुम सो जाओ। अली बिस्तर रसूल पर सो गए। अली बड़े इत्मीनान से सोए, इत्मीनान से इसलिए सोए कि कौले रसूल पर एतमाद था। जिन्हें एतमाद नहीं होता उनके दिन भी बेचैन होते हैं, उनकी रातें भी बेचैन होती है, उनके दिन भी बेचैन होते हैं, उनकी रातें भी बेचैन होती है। जब यकीन हो जाता है तो फिर उनके दिन भी हुसैन होते हैं, उनकी रातें भी हुसैन होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली बिस्तर रसूल पर सोए। अबू जहल कहता है अली तुम यहाँ कहा, अगर अली ये कहे अली तुम यहाँ कहा, अगर अली ये कहे कि हाँ तो नबूवत को खतरा, अगर ये कह दे कि मैं नहीं जानता तो झूठ बोल रहे, अली झूठ भी नहीं बोल सकते। अबू जहल बिगड़कर दोबारा कहता है गुस्से में आकर के, अली तुम यहाँ कहा। अली ने लेटे लेटे दस्ते यदा इलाही बढ़ाया, अबू जहल के भरपूर तमाचा मारा। अबू जहल के अली ने दो ही तमाचे मारे, एक तो उस वक्त जब शबे हिजरत मारा, एक दूसरा तमाचा मौलाना अजहर हुसैन जदीफ बयान फरमाते, पहले ये शेर सुन लीजिए। वो दस्ते जबकि जरब वो मुबस सिफात का, बचपन में ये भी खेलता एक बाएं हाथ का। तो जो बचपन में अबू जहल को तमाचा लगा दे उसे कहते हैं अली, और दूसरा तमाचा हिजरत की शब का तमाचा, मुझे नहीं पता ये कितना तमाचा कितना सख्त था। जब अली ने तमाचा मारा तो अबू इधर हो गया, जहल इधर हो गया, जहल इधर हो गया। अली ने जिसके भी तमाचे मारे, अली ने जिसे भी चीरा, चल दर को चीरा तो बराबर चीरा। इसलिए अली मिजदाक है अदल का। अली नाम है उस शख्स का जो अदल का मिजदाक है। अदल अली से ज्यादा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। अली ने बेनमाजी को बेनमाजी कहा, अली ने
नमाजी को नमाजी कहा, अली ने झूठे को झूठा कहा, अली ने शराबी को शराबी कहा, अली ने बेनमाजी को बेनमाजी कहा, अली ने गैबतखोर को गैबतखोर कहा, अली ने जिनाखोर को जिनाखोर कहा, अली के अलावा किसी में हिम्मत नहीं थी। हम जैसे तो चापलूसी करते हैं कि फला साहब की तारीफ ही की, अब वो इतना बड़ा आयतुल्ला है, वो इतना बड़ा मौलवी है, आता कुछ नहीं, वो इतने बड़े आयतुल्ला है। भाई अली के अलावा किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि बेनमाजी को बेनमाजी कह सके, गैबतखोर को गैबतखोर कह सके। अली ने यह फैसला कर दिया कि चापलूस वो होता है जो हद से ज्यादा इंसान की तारीफ करे, यानी इंसान के अंदर जो मौजूद ना हो वो उसकी तारीफ करे तो उसे चापलूसी कहते हैं। वाह वाह वाह। जो इंसान के अंदर मौजूद ना हो उससे हद से ज्यादा उसकी तारीफ करे तो उसे चापलूसी कहते हैं, चमचागिरी कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे मौलाए कायनात ने एक से एक खुतबात बयान फरमाए, एक से एक जुमले बयान फरमाए। मेरे मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मालदार के यहां जाकर झुक जाए, किस बिना पर, उसकी मालदारी के बिना पर, तो उसका दो तिहाई दिन बर्बाद हो जाता है। नहजुल बलागा में आप मुतालिया कीजिए तो ये आपको अकवाल मिलेंगे कि अगर कोई किसी के माल की वजह से उसके सामने झुक जाए तो उसका दो तिहाई दिन बर्बाद हो जाता है। यानी मालदार के सामने झुकना तो उसके पैसों की वजह से नहीं झुकना, अदब के लिए झुकना, सलाम करना तो इस्लाम की वजह से करना, सलाम करना तो अदब के दायरे में करना, इसलिए कि इस्लाम पैसों के बलबूते पे नहीं झुकने देता, इस्लाम अदब के बलबूते पे झुकने को कहता है। इस्लाम अदब के लिए कहता है, इस्लाम ये नहीं कहता कि फला के पास एक करोड़पति है तो उसके सामने आप झुक जाइए, आप उसके सामने अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं। फलक इस्लाम कहता है अगर आपको झुकना ही है तो इस्लाम के दायरे में झुके, किसी के पैसों के बलबूते पे नहीं। अगर कोई गरीब भी है तो उसे सलाम करना है तो सलाम कीजिए, अगर उसे के सामने झुकना है तो उसके अदब की वजह से झुकिए, किसी के बलबूते किसी के पैसों की वजह से नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। जब तुम अपने माओ के बतन से बाहर आए तो तुम कुछ नहीं जानते थे, यानी तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म न था। खुदावंदे आलम ने तुम्हें तीन शय से नवाजा, खुदावंदे आलम ने तुम्हें देखने की ताकत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने तुम्हें सुनने की ताकत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने तुम्हें अक्ल जैसी नेमत से नवाजा। अब सबसे मजबूत शय का नाम है आग, आग से मजबूत शय का नाम है पानी, पानी से मजबूत शय का नाम है हजरत इंसान, हजरत इंसान से मजबूत शय का नाम है मौत। अब इनकी तारीफ सुन लीजिए। आग सबसे मजबूत इसलिए है कि सब कुछ जला डालती है, पानी इसलिए मजबूत है कि पानी आग को भी बुझा देता है, पानी तवज्जो चाहता हूं भाईजान की, पानी इसलिए कि पानी आग को भी बुझा देता है, और पानी से मजबूत शय का नाम है हजरत इंसान जो पानी को भी पी जाता है, और हजरत इंसान से मजबूत शय का नाम है, हजरत इंसान से मजबूत शय का नाम है मौत जो इंसान को भी खा जाती है। जुमला आदमी समातों के हवाले जैसे चाहिएगा वैसे सुनिएगा। सबसे मजबूत शय का नाम आग, आग से मजबूत शय का नाम पानी, पानी से मजबूत शय का नाम हजरत इंसान, हजरत इंसान से मजबूत शय का नाम मौत, हजरत इंसान से मजबूत शय का नाम मौत, और मौत से मजबूत शय का नाम सदका जो मौत को भी डाल देता है। वाह वाह वाह। मौत से मजबूत शय का नाम सदका जो मौत को भी टाल देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमें खुदावंदे आलम का शुक्र अदा करना चाहिए कि जनाब ज़ैनब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस फर्शिया जैसी नेमत से नवाजा। खुदावंदे आलम का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंदे आलम ने कदीर जैसी नेमत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने अली जैसी नेमत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने हसन जैसी नेमत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने हुसैन जैसी नेमत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने ज़ैनुल आबिदीन जैसी नेमत से नवाजा, खुदावंदे आलम ने हस्ता के 14 की 14 शख्सियतों की नेमतों से नवाजा। अब जुमला आपकी समातों के हवाले 14 की 14 शख्सियतों की नेमत से नवाजा। अब जो इनका इनकार करे वो गद्दार तो हो सकता है, आजादार नहीं हो सकता। इनकार करे वो गद्दार तो हो सकता है, आजादार नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे साया करीमा का मैंने आप हजरात के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया था, उसमें खुदावंदे आलम इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून।
ऐ रसूल हमने तुझे भेजा बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, नजीरन और डराने वाला बनाकर, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत नहीं जानती कि तू बशीर भी है और नजीर भी है। जंग अहुद, जब जंग अहुद जीती गई अली की तलवार के सदके में, जंग अहुद से अली वापस जंग अहुद से जब रसूल वापस पलटे तो तमाम फरारी फरार हो गए लेकिन अली नहीं भागे। अली से मेरे रसूल ने कहा अकबर, तो बाद अली से पूछा तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं भागे। मेरे अली ने कहा अकबर तो बाद अल ईमान, क्या मैं कुफर इख्तियार कर लेता, क्या अकबर तो बाद अल ईमान, क्या मैं ईमान के बाद काफिर हो जाता, क्या मैं ईमान के बाद कुफर इख्तियार कर लेता। अली ने कहा अकबर तो बाद अल ईमान। खुदावंदे आलम को अली का ये हिकमत में डूबा हुआ कलाम इतना पसंद आया कि खुदावंदे आलम ने इसे सूरह आले इमरान में दर्ज किया फरमाया ऐ रसूल अली ने ठीक कहा, जो भी तुम्हें पूछ दिखाए, जो भी तुमसे रोगिरदानी करे, जो भी तुमसे फरार हो, जो भी तुमसे भागे, जो भी तुम्हें छोड़कर भागे वो काफिर, और काफिर को खुदावंदे आलम दोस्त नहीं रखता। खुदावंदे आलम काफिर को दोस्त नहीं रखता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, काफिर को खुदावंदे आलम। सिर्फ और सिर्फ दो काम किए, उरीद अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। हुसैन ने नेकियों का हुक्म दिया और बुराई से रोका। हुसैन ने नेकियों का हुक्म दिया और बुराई से रोका। वो कौम मर जाती है, वो कौम जिंदा होने के बाद भी मुर्दा हो जाती है जिस कौम में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं पाया जाता। वो कौम जिंदा होने के बाद मुर्दा हो जाती है जिस कौम में बड़े छोटों को समझाने वाले नहीं होते। कहीं कहीं ऐसा भी मौका आता है कि छोटों में इतनी हैसियत हो जाती है कि वो बड़ों के समझाने का लायक बन जाते हैं। इल्म एक ऐसी शय का नाम है कि जो छोटा होने के बावजूद बड़ा बना देती है। इल्म एक ऐसी शय का नाम है जो इंसान को बुलंदियां अता करती है। इल्म इंसान को नूरानी बनाता है। इल्म इंसान की मुश्किलात को आसान करता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, तुल्लाब इकराम का मजमा है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो तुम तालिब इल्म बनो या तुम आलिम बनो। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने एक तालिब इल्म ऐसी शख्सियत है। मोदी और योगी के रिस्क की गारंटी खुदावंदे आलम ने नहीं ली, किसी इंस्पेक्टर की खुदावंदे आलम ने रिस्क की गारंटी नहीं ली, किसी प्रोफेसर की खुदावंदे आलम ने रिस्क की गारंटी नहीं ली, लेकिन तालिब इल्म एक ऐसी शख्सियत है जिसकी जिम्मेदारी रसूल अकरम ने खुद ली है कि तालिब इल्म का रिस्क का जामिन मैं हूं, तुम इल्म हासिल करते चले जाओ, रिस्क तुम्हारे यहां पहुंच जाएगा। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुसैन ने दो ही काम किए, नेकियों का हुक्म दिया, बुराइयों से रोका। इस हुसैन पर कितनी मुसीबतें ढाई गई। इस हुसैन ने करबला में 72 जनाजे उठाए, कभी अब्बास का जनाजा, कभी अब्बास के बाजू, कभी 18 बरस के कलियत जवान अली अकबर का लाशा, कभी 6 महीने के मुजाहिद का जनाजा, कभी अली असगर का जनाजा। इस करबला में 18 बरस के जनाजे, इस करबला से 72 जनाजे निकले। अगर हमारे घर में कोई इंतकाल कर जाता है, अगर हमारे घर में कोई मर जाता है तो हमें तस्कीन दी जाती है, हमें समझाया जाता है, हमें सब्र की तलकीन की जाती है, लेकिन करबला में मकसद उल्टा हो गया, करबला में मकसद ही बदल गया। जब कोई रोता था तो कोई ताजियाने मारता था, कोई तमाचे मारता था, अगर रोना ना आए तो सर झुका के बैठ जाना। इसलिए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस पर जन्नत वाजिब है जो हमारे गम में रोए या रुलाए, हत्ता के रोने जैसी शक्ल बनाए, हत्ता के रोने जैसी शक्ल बनाए। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता के रोने जैसी शक्ल बनाए। इमाम हुसैन ने कैसे कैसे जनाजे उठाए। हुसैन जंग करते जाते हैं, कोई हुसैन पर तीरों से वार करता है, कोई ताजियानों से वार करता है। जब किसी के पास कुछ न था तो हुसैन पर गर्म रेत फेंकता था,
अजरकुमल अल्लाह अजरकुमल सहरा। हुसैन पर गर्म रेत फेंकता था, हुसैन जंग करते जाते हैं, हुसैन जंग करते जाते हैं, कोई गर्म रेत फेंकता था। एक मरतबा आवाज गैबी आई, या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना इर्जे इला रब्बे के राजिया तम मर्जिया, ए नफ्स मुतमईना पलट अपने रब की तरफ। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजे सिमटी। अजरकुमल अल्लाह अजरकुमल सहरा, भागी हुई फौजे सिमटी। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजे सिमटी। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखना था, हुसैन ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, हुसैन ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली। हुसैन तो घोड़े से जमीन पर आए ही नहीं, हुसैन के जनाजे में इतने तीर थे। मेरा बारवा इमाम फरमाता है ज़ियारत नाहिया में, हुसैन के जिस पर इतने तीर थे कि हुसैन का लाशा तीरों पर था। जब हुसैन माँ की गोद में आने के लिए झुके तो दाएं पहलू के तीर बाएं पहलू से निकल गए, हुसैन माँ की गोद में आ गए। हाय माँ की गोद, बेटे का सर जुदा हो गया, माँ की गोद में फातिमा, जहरा की गोद में हुसैन का सर जुदा हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम के खुश रहते।